क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स बच्चों ध्यान दीजिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। अब आपको पिताजी और माँ की अनुमति और फुल कोरोना वायरस के प्रोटेक्शन लेकर आप स्कूल में अपनी डिफ़िकल्टी और सारी चीज़ों की जानकारी आदि के लिए आप आ सकते हैं, लेकिन अनुमति पत्र आना लाना आवश्यक है। यहाँ पर मैं आपको, आपने सुना होगा बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसी को मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ना लिख के मैंने खाली जगह छोड़ी हुई है, उसमें पूरा आंसर लिख रहा हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट है, इनको आप करिए कॉपी में नोट करिए और सॉल्व करिए, ये कॉपी में होना बहुत ज़रूरी है, ये आपको बोर्ड परीक्षा में काम आएंगे। तो आप देखिए, पहला आंसर है, क्वेश्चन है, एक कूलम आवेशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ये कितनी आती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n बराबर 6.25 इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन्स आती है। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6.25 इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक है, ये आती कहाँ से है? आपको प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन मालूम है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q इक्वल टू 1 रखिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10^-18 -19 कूलम रखिए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है। दूसरा, बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समानुपाती है। तो आपको मालूम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितनी होती है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 1/4π एप्सिलॉन नॉट और क्यू कांस्टेंट है, इसलिए ई समानुपाती 1/r² की वैल्यू के इक्वल आ जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पी पर लगने वाले बल आघूर्ण टाउ का मान, तो टाउ इक्वल टू कितना आता है, पी क्रॉस ई, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, पी ई साइन थीटा लिखते हैं। ये आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको मालूम है कि विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव लगता हूँ तो उसके ऊपर बल आघूर्ण निकलता है, स्थितिज ऊर्जा निकलती है और कार्य किया जाता है, इसलिए टाउ बराबर कितना आ जाता है, पी क्रॉस सी के इक्वल हो जाता है। वायु का परावैद्युतांक माध्यम कितने के इक्वल होता है, एक की वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। विद्युत विभव का मात्रक, तो वी इक्वल टू कितने के इक्वल होता है, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है, इसलिए V का मात्रक W क्या हो जाता है, जूल, 1 जूल। आवेश का मात्रक बल कूलम इक्वल टू 1 वोल्ट के इक्वल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, हमने होता है दो संधारित्र में श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, तो ये मैंने मान लो इन दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में होता जोड़ा हुआ है, ये आपके पास सेल और बैटरी है, तो आपको मालूम है इसमें से आवेश जाता है प्लस क्यू माइनस क्यू, इसका मतलब है कौन सी राशि यहाँ पर समान होती है, तो यहाँ पर जो समान राशि है उसका आंसर क्या हो जाएगा, आवेश के इक्वल हो जाएगा, तो राशि आवेश
यहाँ पर दोनों संधारित्रों में कैसी होती है, समान होती है। संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान, ठीक है, तो U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, यह हाफ क्यू वी के इक्वल भी हो सकता है, जो भी आपको अच्छा लगे तीन कॉन्सेप्ट में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संभवा पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया हुआ कार्य। मैंने आपको संभवा पृष्ठ कराया था, ये इसके दो बिंदु ले लीजिए, एक ए ले लो एक बी ले लो, तो आपके पास वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू के इक्वल होता है। संभवा पृष्ठ है तो वी ए बराबर वी बी, तो ये हो गया जीरो, इसलिए कार्य डब्लू बराबर कितना आ जाएगा, जीरो की वैल्यू के इक्वल होता है, इसलिए किया हुआ कार्य कितना आ जाएगा, शून्य के मान के बराबर आ जाता है। क्लियर है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको संभवा पृष्ठ की इम्पोर्टेंट कहना चाहिए गुणधर्म आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक के अंदर चूंकि हमारे पास बल रेखाएं उसके पृष्ठ से निकलती हैं, इसलिए चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, शून्य के मान के बराबर हो जाता है। ठीक है, आवेशों के क्वांटीकरण का सूत्र, ये मैंने अभी आपको बताया था कि किसी चालक पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्णांक गुणक होता है, Q बराबर प्लस माइनस एनी, तो ये मैंने आज 10 आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लिखाए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए अपनी फेयर कॉपी में एक पूरा का पूरा पार्ट अलग से होता कर लीजिए, उसको मैं एक एक चेक करूँगा। सारे होता बच्चों को ये कॉपी में बनाना अनिवार्य है, पक्का है, इसको आपको करना ही करना है। ठीक है, चलिए, ओके, गुड गुड बाय बच्चों।